Friends, I am Arpit and today I am going to start a topic of chemistry that is Otto-Hoffmann byproduct coke oven process. ये process हम metallurgical coke को produce करने के लिए use करते हैं. Now हम जब भी इस process को कहीं पर भी लिखेंगे तो हम पांच basic चीजें इसमें लिखेंगे. First इसका use, second ये किस principle पे work करती है, third इसका construction, fourth इसका diagram और लास्ट इसकी हम वर्किंग समझा देंगे. सो लेट अस डिस्कस ईच पॉइंट वन बाय वन. फर्स्ट इसका यूज क्या है. सो ये यूज होता है मेटलर्जिकल कोक को प्रोड्यूस करने के लिए. सेकंड इसका प्रिंसिपल, ये बेस्ड है रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी पर. मतलब हम जो हीट प्रोवाइड करेंगे इस प्रोसेस में उस हीट को हम वापस रीयूज कर पाएंगे, इससे हमारे प्रोसेस की इफिशियंसी बढ़ जाएगी. थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्शन, तो जो इस प्रोसेस का चैम्बर होगा वह 10 से 12 मीटर लॉन्ग होगा, 3 टू 4 मीटर हाई होगा और 0.4 टू 0.5 मीटर वाइड होगा. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस प्रोसेस. नाउ लेट अस डिस्कस द वर्किंग ऑफ दिस प्रोसेस, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट. It is working. First, सबसे पहले हम कोल को एंटर करवाते हैं कोल चार्जिंग डोर्स से, फिर उसको कोल कार्स से हम बंकर्स में पहुंचाते हैं. और कोल कार्स कैसी होती है, जैसे जो कार्टून आते हैं लाइक ओगी एंड द कॉकरोचेस, और इनमें हम देखते हैं कि कोल माइंस में वो एक कार पे बैठ के इधर उधर जाते हैं, उनके कूदते रहते हैं और वो रेलवे ट्रैक से पे चलती है. तो उस तरह की कार से इनको इन बंकर्स में पहुंचाया जाता है. फिर यहाँ से यानी एट द लोअर एंड से प्रोड्यूसर गैसेस को अंदर ट्रांसफर किया जाता है. इसके कारण क्या होता है, और इसका टेम्परेचर रखा जाता है 12,000 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस. यहाँ इस हाई टेम्परेचर के कारण कोल बर्न होता है और कम्बशन होता है, और इस कम्बशन के कारण कुछ वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती है. तो ये वेस्ट गैस यहाँ पर से हीट होती है और फिर इसका सेटिंग ऐसा किया जाता है कि ये वेस्ट गैसेस जाते वक्त भी इस चेकर वर्क्स ऑफ ब्रिक, ये सब चेकर वर्क्स है ब्रिक के. तो सबसे पहले जो चीज गर्म होती है वो होती है चेकर वर्क ऑफ ब्रिक. तो ये गैसेस जाते वक्त भी इस चेकर वर्क ऑफ ब्रिक को गर्म कर देती है. इससे क्या होता है कि जो हम वेस्ट गैसेस बाहर चिमनी की ओर जाती जा रही होती है वो भी हमारे काम में आ जाती है, और हमारी फ्यूल की एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाती है. फिर इस हॉट कोक को कोल डिस्चार्जिंग डोर से निकाला जाता है और उसकी क्वेंचिंग की जाती है. अभी क्वेंचिंग क्या होती है, सो क्वेंचिंग यानी किसी भी गर्म चीज को इंस्टेंटली इसको कोल्ड करना या रूम टेम्परेचर पे लाना. तो ये दो तरह से की जाती है, पहली होती है वेट क्वेंचिंग और सेकंड होती है ड्राई क्वेंचिंग. वेट क्वेंचिंग में तो हॉट कोक के ऊपर वाटर स्प्रिंकल किया जाता है, और ड्राई क्वेंचिंग में इनर्ट गैसेस की प्रेजेंस में उसको टेम्परेचर कम किया जाता है. तो ड्राई के केस में इफिशियंसी ज़्यादा होती है और अपना जो कोक होता है वो स्टेबल अमाउंट का होता है या स्टेबल होता है. सो लेट अस डिस्कस द रिकवरी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स. सो इस प्रोसेस की सबसे बड़ी जो एडवांटेज ये है कि हम इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट्स को रिकवर कर सकते हैं. अब जो वो प्रोसेस था उसमें जो वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस हुई थी, हम उससे जो उसमें इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. तो उस गैस को हम 5 टावर से पास करते हैं और जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको रिकवर कर देते हैं. तो टावर 1, इस टावर में हम गैस को पास करते हैं और लिक्विड अमोनिया को स्प्रिंकल किया जाता है, और रिएक्शन के बाद हमें टार मिलता है, और इस टार को हम रोल मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं डामर. फिर जो गैस होती है उसको सेकंड चैम्बर से पास किया जाता है जिसमें वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है, और अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके NH4OH फॉर्म कर देता है. और NH4OH को रिकवर करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि अगर ये इस गैस में मिक्स रहा तो ये आगे पाइप्स को ब्लॉक कर सकता है। फिर इस गैस को थर्ड टावर से पास किया जाता है जहाँ पे कोल्ड वाटर स्प्रिंकल किया जाता है। कोल्ड वाटर स्प्रिंकल करके नेप्थलीन को रिकवर किया जाता है, क्योंकि अगर नेप्थलीन इस प्रोसेस में बचा रहा तो जो नेप्थलीन की वेपर्स प्रोड्यूस होती है वो पाइप्स को ब्लॉक कर सकती है। फिर उस गैस को अगले फोर्थ टावर से पास किया जाता है जहाँ पे पेट्रोलियम स्प्रिंकल किया जाता है, और ये प्रोसेस से हम बेंजीन को रिकवर करते हैं, और बेंजीन बहुत सारे यूज में आता है। फिर इसको फिफ्थ टावर से पास किया जाता है जहाँ मॉइस्ट Fe2O3 प्रेजेंट होता है, और मॉइस्ट Fe2O3 जब इस गैस से रिएक्ट करता है तो सल्फर और H2S कंटेंट्स को रिमूव कर देता है, क्योंकि अगर सल्फर और H2S कंटेंट्स इस प्रोसेस में रहे तो सल्फर ऑक्सीडाइज होकर SO2 फॉर्म कर देगा और H2S H2SO4 फॉर्म कर देगा, और इसके कारण हमारे जो कंपोनेंट्स इस प्रोसेस के वो कोरोड हो सकते हैं। तो सब कुछ रिकवर करने के बाद हमें प्यूरिफाइड गैस मिलती है जिसको अपन कहते हैं कोल गैस। तो इस गैस को हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ एनी क्वायरी देन राइट इन आवर कमेंट सेक्शन। सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट गाइस।